चलिए तो अब हम लोग खंड खा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि रसायन विज्ञान के ऊपर आधारित है आपका, ठीक है। खंड खा का देखिए जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर का एक नंबर का ये प्रश्न है, इसके लिए आपको एक नंबर दिया जाएगा, जिसमें आपसे कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला तो आप सबको पता ही होगा, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4, ठीक है ना, कॉपर और SO4। ये देखिए ये जो SO4-2 चार्ज होता है इसके ऊपर, इसको कहा जाता है सल्फेट आयन, ठीक। तो ये हो गया कॉपर सल्फेट आपका। अब देखिए होता क्या है ना, यहाँ पे अगर आपको कभी भी बोल दे कि किसी लवण का पीएच मान ज्ञात करिए, जैसे कि कॉपर सल्फेट हमें पता है कि क्या है, ये एक लवण है, और अगर हमें कभी किसी भी लवण का पीएच मान अगर ज्ञात करना हो ना, तो बस करना ये होता है कि उसको उठा के पानी में डाल दीजिए, ठीक है। तो अगर देखिए कॉपर सल्फेट को मैं पानी में डाल दूंगा, मतलब इसका जल योजन अगर मैं करवा दूं, ठीक है, पानी में इसको घोलूं, तो देखिए ये मुझे क्या देगा, कॉपर सल्फेट जो जल में जाके ब्रेक होगा वो Cu+2 और SO4-2 आयन में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। वाटर से आपको क्या मिलेगा, H+ मिलेगा और OH- आयन मिलते हैं। अब यहाँ से ये कॉपर जो कि पॉजिटिव है वो इस हाइड्रोजन ये OH के साथ में, जो कि नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ में जाके रिएक्शन कर जाएगा और बनाएगा क्या चीज़, CuOH का होल टॉइस, ठीक है। टॉइस क्यों, क्योंकि कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है, OH पे -1 है, इसलिए यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 हमने लगाया, चार्ज बैलेंस करने के लिए। और प्लस आपको देखिए क्या मिलेगा, H+ SO4-2 यानी सल्फेट आयन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा H2SO4। अब यहाँ भी देखिए ये दो चीज़ें आपको बन के मिल गई, CuOH का होल टॉइस, ये जो CuOH है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड, और ये एक दुर्बल क्षार होता है, ये क्या होता है, हाँ ये एक दुर्बल क्षार होता है, और H2SO4 जो यहाँ अभिक्रिया में आपको बना है कॉपर सल्फेट के जल योजन पे, ये होता है एक प्रबल अम्ल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल है H2SO4, आप सबको पता ही होगा। तो अब देखिए क्षार दुर्बल है, अम्ल जो है वो प्रबल है, दोनों एक ही स्थान पे हैं, तो ओवरऑल विलयन का जो गुण होगा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि अब प्रबल कौन है, अम्ल, तो अम्ल का ही जो लक्षण होगा वो विलयन में भी आ जाएगा, जो प्रबल होता है विलयन भी उसी का लक्षण अपने ऊपर ले लेता है, ठीक है। तो अम्ल का विलयन हमारा बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जब जाहिर सी बात है कॉपर सल्फेट का जो विलयन है इसका ओवरऑल लक्षण हमने देख लिया कि कैसा होगा, अम्लीय होगा, तो अम्लीय होने का मतलब क्या है कि इसकी पीएच जो है वो 7 से कम होगी। तो देखिए 7 से कम वाला ऑप्शन इसमें कौन सा है आपका, जी हाँ पहला ऑप्शन जो है का वही 7 से कम है, तो 7 से कम यानी कि ऑप्शन का जो है आपका वो यहाँ से सही हो जाएगा। बात आ गई ना समझ में, तो कॉपर सल्फेट विलयन की जो पीएच होती है वो 7 से कम होती है, क्योंकि ये अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन में पढ़ जाते हैं, ये क्वेश्चन है यहाँ से हमारा डन हो जाता है। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है नौसादर की कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया, ठीक है, में जो जेड है यहाँ पे इस रिएक्शन में वो क्या होगा, मतलब नीचे ना आपको एक अभिक्रिया दी हुई है नौसादर की कास्टिक सोडा के साथ में, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इस अभिक्रिया में जो जेड एक अननोन दिया हुआ है वो क्या होगा। तो यहाँ पे चलिए मैं रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ, अभिक्रिया आपको कुछ इस प्रकार से दी गई है, NH4Cl ये है अमोनियम क्लोराइड, जिसे हम लोग नौसादर भी बोलते हैं, ठीक है, साधारण भाषा में इसे क्या कहते हैं, नौसादर बोलते हैं, प्लस इसकी अभिक्रिया हमें करवानी है NaOH जो कि एक प्रबल क्षार है इसके साथ में। तो देखिए यहाँ से एक बात आप ध्यान रखिएगा, अब चलिए मैं अभी बताता हूँ, फिलहाल क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ से NH4Cl NaOH के साथ अभिक्रिया कर रहा है और आपको बोल रहा है कि अभिक्रिया में बन रहा है NaCl+ में कोई उत्पाद जेड बन रहा है, ठीक है, कोई उत्पाद जेड बन रहा है, और इसी के साथ में अभिक्रिया से जल भी प्राप्त हो रहा है, तो ये जो उत्पाद जेड है ये क्या होगा, यही हमें यहाँ पे बताना है। नीचे आपको जो है चार ऑप्शन भी देखे दिए गए, ठीक है, हमसे कह रहा है पहले ऑप्शन में ये जो उत्पाद है वो N2 होगा, दूसरे ऑप्शन में हमसे कह रहा है ये जो उत्पाद है वो HCl होगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हमको दे रखा है कि ये NH3 यानी कि अमोनिया होगा, और चौथा ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है कि ये NH2- आयन होगा। बात आ रही ना आपको समझ में। अब देखिए यहाँ पे ना ये जो क्वेश्चन है वो एक प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक, प्रॉपर्टी कौन सी है, आप ध्यान रखिएगा कोई भी अमोनियम लवण, ठीक है, जैसे यहाँ पे NH4Cl जो है
वो एक अमोनियम लवण है। तो कोई भी अमोनियम लवण यदि किसी क्षार, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, CaOH का होल टॉइस हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, इसके साथ में अगर अभिक्रिया करता है ना, तो वो उस लवण में से अमोनिया को निष्कासित करता है, अमोनिया को निकाल देता है। अब यहाँ पे देखिए, इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स में हमको क्या क्या दिख रहा है, एक लवण दिख रहा है NaCl, पानी दिख रहा है, लेकिन अमोनिया तो कहीं दिख नहीं रही। तो इसका मतलब ये जो Z यहाँ पे बन रहा है ना, वो कौन है, हाँ ये अमोनिया ही है। तो कोई भी अमोनियम लवण यदि अभिक्रिया करता है किसी क्षार के साथ में, तो अमोनिया का निष्कासन करता है। बात आ गई ना समझ में, तो ऑप्शन 3 अमोनिया यहाँ से आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नंबर आपने और अपना पक्का कर दिया एग्जाम में। अगले प्रश्न में हमसे कह रहा है, निम्न में से किसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध पाया जाता है। नीचे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, और उसमें से क्या कह रहा है कि इसमें से किसके मध्य में ना, किस यौगिक में कार्बन कार्बन के मध्य में एक द्विआबंध यानी कि डबल बॉन्ड उपस्थित होगा। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए, तो पहला जो आपको देखिए यहाँ पे दे रखा है वो क्या दे रखा है, एथेन में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो हमें दे रखा है वो कह रहा है एथीन में। एथेन पहला है, दूसरा क्या है, एथीन है। तीसरा हमको बोल रहा है कि एथाइन में, एथाइन में। ठीक, और फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रहा है कि सभी में, इनमें से सभी में। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि किसमें कार्बन कार्बन के मध्य में एक द्विआबंध पाया जाता है। देखिए, अगर हम बात करें एथेन की, ठीक है, तो एथेन में क्या है, एन लगा है, इसका मतलब इसका जो सूत्र होगा, देखिए वो क्या होता है, एथेन मतलब दो कार्बन होंगे और ये एक एल्केन है, तो इसका मतलब 6 हाइड्रोजन होंगे। समझ में आ गई बात, तो ये होता है एथेन C2H6। अब देखिए यहाँ पे क्या हमें करना होगा कि C2H6 की संरचना अगर आप देखेंगे ना, तो इसमें दो कार्बन ऐसे होते हैं और 6 हाइड्रोजन इनसे ऐसे जुड़े होते हैं, कुछ इस प्रकार से। इस कार्बन से भी आपके ऐसे 3 हाइड्रोजन, मतलब टोटल मिला के 6 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गए। और देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन के मध्य में क्या उपस्थित है, एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये ऑप्शन हमारा जो है वो गलत होगा। दूसरा चेक कर लीजिए अगर आप एथीन, तो देखिए एथीन में ईन आ रहा है और ईन मतलब डबल बॉन्ड होता है, बट ऐसे देख के तुक्का नहीं लगाएंगे, इसको भी चेक कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C2H4। और अगर आप इसकी संरचना बनाएंगे तो देखिए इसमें कार्बन कार्बन के मध्य में एक डबल बॉन्ड और फिर उनसे दो दो हाइड्रोजन एक कार्बन से इस तरह से जुड़े होते हैं। तो C2H4 ओवरऑल यहाँ से आपका ये कार्बन कार्बन के मध्य इसमें एक द्विआबंध उपस्थित है, तो एथीन ये जो ऑप्शन है ये क्या होगा, सही होगा आपका। एथाइन में कार्बन कार्बन के मध्य में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये भी गलत होगा, और सभी में तो ये तो गलत है ही है। आगे ना बात समझ में, तो इस तरह से आपका एक नंबर का ये एक और प्रश्न जो है वो तैयार हो जाता है। अब यहाँ से देखिए अगला अगर हम देखें, तो ये आपका 2 नंबर का एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, नीचे आपको 2 यौगिक दिए गए हैं, 2 कार्बनिक कंपाउंड दिए गए हैं, और आपसे क्या कह रहा है कि इनका IUPAC नाम आप हमें लिख के बताइए कि क्या होगा। ठीक है, तो पहला चलिए यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में जो कंपाउंड दे रखा है वो कह रहा है CH3COOC2H5, और दूसरा जो कंपाउंड है जिसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हमें लिखना है वो होगा CH3OCH2CH3। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए अगर कभी भी हमें IUPAC नामकरण करना होता है ना, तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि उस यौगिक में जो क्रियात्मक समूह उपस्थित है वो कौन सा होगा, या फिर ये यौगिक किस श्रेणी का सदस्य है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में जैसे अगर हम बात करें ना, तो हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि ये COOR वाली फॉर्म दिख रही है, तो इसका मतलब ये है क्या, ये एस्टर है। ठीक है, ये किसी एस्टर के परिवार का ही सदस्य है। और दूसरा यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहाँ हमें बीच में एक ऑक्सीजन दिख रहा है, जिसका मतलब साफ साफ है ये किसी ईथर परिवार का सदस्य है। ठीक है, ये किसी ईथर परिवार का है। अब एस्टर का देखिए अगर हमें नामकरण करना होता है, तो पहले तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, तो ये कुछ ऐसा होगा, CH3C डबल बॉन्ड हो, एक कार्बोनिल ग्रुप, और उससे फिर OC2H5। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। तो देखिए
जब भी आपको किसी एस्टर का नामकरण करना हो ना, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस ऑक्सीजन से जो भी एल्किल समूह जुड़ा हो सबसे पहले हम क्या करते उसका नाम लिखते हैं। तो इस ऑक्सीजन से जो एल्किल समूह जुड़ा है ये C2H5, इसका नाम क्या होता है, हाँ इसको हम बोलते हैं एथाइल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका नाम क्या लिख देंगे, एथाइल, कुछ इस तरह से, ठीक। अब इसका नाम लिखने के बाद आप क्या करिए ना कि जो ये बच रहा पार्ट है ये वाला, इसमें कार्बन गिन लीजिए। तो कार्बन इसमें कितने, दो है, तो दो का मतलब क्या सफिक्स हम यूज़ करेंगे, एथ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन, ठीक। तो एथाइल एथेनो एट करके लिखते हैं, ठीक है। एस्टर के नामकरण में ओ एट लगाया जाता है, इसका नाम हो जाएगा एथाइल एथेनो एट, एथाइल एथेनो एट, ठीक है। इस तरह से पहले वाले का नामकरण तो यहाँ पे हमने कर लिया, रूल जो मैंने अभी अभी आपको बताया वो आपको ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे, इसमें हम क्या करते हैं ना, ईथर का जब भी नामकरण करते हैं तो देखिए ये समूह और ये समूह दोनों ही ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो हम करते क्या ना, पहले उसका नाम लिखते हैं जो छोटा समूह होता है। जैसे यहाँ पे हमें दो कार्बन दिख रहे हैं जबकि यहाँ पे एक ही दिख रहा है, तो सबसे पहले एक वाले का नाम लिखेंगे। तो इसका नाम हमारे लिए क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल। तो ये हो गया मिथाइल, और इसके बाद में जो बचता है तो ये सॉरी यहाँ पे तो ये कॉमन नेम हम लिखने जा रहे हैं, ओहो ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, गलती नहीं करिए। ये कॉमन नेम होगा इसका, मिथाइल एथाइल ईथर ही इसको कॉमन नेम में हम बोलेंगे। अगर हमको इसका IUPAC नाम लिखना है ना, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है एक कार्बन है ना और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये छोटा समूह है, तो इसका नाम लिखते हैं मेथॉक्सी। क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी लिखेंगे हम इसको, और मेथॉक्सी लिखने के बाद जो बच रहा हो, तो एक और दो कार्बन बच रहा है और एन है तो एथेन, तो मेथॉक्सी एथेन, ये इसका आपका नाम हो जाएगा इस ईथर का, ठीक। तो पहले वाले का नाम क्या हो गया, एथाइल एथेनोएट, दूसरे वाले का मेथॉक्सी एथेन। पहले किसका नाम लिखना है, जो छोटा समूह जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, ठीक। इस तरह से आपका दो नंबर का ये प्रश्न तैयार होगा, एक नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे और एक नंबर इस वाले के लिए। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो धातु तथा अधातु चैप्टर से, आपके धातु कर्म वाले पोर्शन से, जिसमें आपसे कह रहा है कि भर्जन तथा निस्तापन की क्रिया में अंतर बताइए, ठीक है। भर्जन तथा निस्तापन की क्रिया में अंतर बताइए। अब भर्जन, भर्जन से तो मतलब दिमाग में वही सब आता है, भूजना किसी चीज को, भूजने का मतलब रोस्ट करना, ठीक है, भुनना इसी टाइप का। तो भर्जन में मतलब हम करते भी सही बात है यही है, भर्जन में जो अयस्क होता है ना हमारा, उसको हम एक तरीके से भूज ही देते हैं, समझिए, ठीक। भर्जन इंग्लिश में इसको कहा जाता है रोस्टिंग, हाँ रोस्टिंग से तो आप सबको मुँह में पानी आ रहा होगा, रोस्टेड चिकन ये सारी चीज़ें, ठीक है। भर्जन में देखिए हम क्या करते हैं ना, अयस्क से पहली बात तो बता दें कि अयस्क को जब भी हमें परिवर्तित करना होता है किसी उसके ऑक्साइड में, तो यही दो क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं, एक का नाम होता है भर्जन और दूसरी वाली क्रिया का नाम क्या होता है, निस्तापन, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन अंग्रेजी भाषा में, कैल्सिनेशन। अब देखिए इसमें होता क्या है, भर्जन की क्रिया में जो अयस्क हम उपयोग में ले आते हैं वो होते हैं सल्फाइड अयस्क, ठीक है। जो सल्फाइड प्रकृति के अयस्क होते हैं उनका प्रयोग हम लोग करते हैं भर्जन की क्रिया में, और निस्तापन की प्रक्रिया में हम जिन अयस्कों का प्रयोग करते हैं वो होते हैं कार्बोनेट अयस्क, ठीक है। तो एक अंतर तो इनके बीच का यही हो गया कि भर्जन की क्रिया में सल्फाइड अयस्क प्रयुक्त किए जाते जबकि निस्तापन की क्रिया में कार्बोनेट अयस्क, ठीक। दूसरा अंतर जो है इनके बीच का वो ये है कि भर्जन की जो क्रिया है वो ऑक्सीजन यानी O2 की उपस्थिति में कराई जाती है, भर्जन की क्रिया ऑक्सीजन यानी कि O2 की उपस्थिति में कराई जाती है, जबकि निस्तापन की जो क्रिया है उसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। बात आ रही ना समझ में, हाँ। तो ये हो गए दो अंतर आपके भर्जन और निस्तापन की क्रिया में, समझ में आ गई ना बात, हाँ। यहाँ पे देखिए अगर मैं आपको दोनों का एक एक एग्जांपल भी दे दूँ, तो भर्जन में जैसे मान लीजिए मेरे पास जिंक का कोई सल्फाइड अयस्क है, ठीक है, ZnS है, इसको मैं क्या करता हूँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कराता हूँ, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कराने पर यह परिवर्तित हो जाता है जिंक ऑक्साइड में, और सल्फर जो इसके अंदर उपस्थित होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में अशुद्धि के रूप में अलग हो जाता है वहां से, ठीक।
अब यहाँ पे देखिए जो आपका अयस्क है वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, तो इससे आराम से आप धातु को प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल, अब आपको बस इसका अपचयन करवाना होगा। ठीक, निस्तापन की क्रिया में मैंने क्या बताया आपको कि कार्बोनेट अयस्क प्रयोग में लाते हैं। जैसे यहाँ अगर आप देखिए तो जिंक कार्बोनेट है, इसको हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब ऑक्सीजन का यूज नहीं करना है, इसको हम क्या करेंगे गर्म कर देते हैं। तो गर्म करने पे ये परिवर्तित हो जाएगा जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से अशुद्धि के रूप में अलग हो जाती। तो ये हो गई आपकी निस्तापन की क्रिया और ये भर्जन की क्रिया। इसके लिए भी आपको एक एक नंबर यानी कुल मिला जुला के 2 मार्क प्रोवाइड किए जाएंगे। समझ में आ गई बात, 2 नंबर का ये और प्रश्न आपका बढ़िया तैयार हो जाता है आपके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। 7वां जो हमारा प्रश्न है, अच्छा देखिए यहाँ पे आपका एक और प्रश्न दे रखा है गा वाला कि प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनाई जाती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह वाला ये जो पोर्शन है ना, प्रिपरेशन वगैरह, ये सब कोर्स में से बहुत पहले ही हटा दिया गया है, कोर्स में अब ये सब नहीं है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को अभी हम रहने देते हैं, बिकॉज देखिए सीखने के नज़रिए से तो ठीक है, बट अभी टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो क्या है, मॉडल पेपर। हमें मॉडल पेपर को सॉल्व करना है कोर्स के अकॉर्डिंग, जो हमारा कोर्स डिसाइड है उसके हिसाब से। तो ये सब ज्ञान की बातें ठीक है सीखना, बट अब वो किसी और लेक्चर में हम सीखेंगे, अभी पेपर पे अपने से। ओके, तो अगले प्रश्न में आते हैं। अगला जो प्रश्न है वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताइए, इसका अणु सूत्र भी लिखिए तथा इस पर ऊष्मा के प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कह रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताइए। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, हाँ पीओपी, जिसे आप सब सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं। अब ये देखिए वही पीओपी है जो घर में जब हम पेंटिंग वगैरह करवाते हैं तो सीलिंग पे डिजाइन वगैरह बनवाने के लिए फूल पत्ती जो सीलिंग पे बना देते हैं वही इसी पीओपी का यूज करके बनाते हैं। अच्छा, किसी की हड्डी वड्डी कहीं से खिसक जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो प्लास्टर वगैरह लगाने के लिए भी डॉक्टर यही पीओपी का यूज करते हैं। जो ऊपर हार्ड सेटल चीज होती है ना वो पीओपी होता है। अब उस प्लास्टर के साथ देखिए कितनी नौटंकी होती है, लोग उसी पे सारी कलाकारी नक्शेबाजी जितना गोदना ओदना होता है सब उसी पे लिख देते हैं। इनफैक्ट जिसने कभी कागज का प्रयोग नहीं भी किया होता है ना वो भी उसी प्लास्टर में अपनी सारी कलाकारी दुनिया भर की पढ़ाई सब कुछ उसी पे कर लेता है, देखा ही होगा आप सबने। हाँ, तो बिल्कुल सही है। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है क्या होता है, तो हम बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी जो है ना, ये एक प्रकार का लवण होता है, सॉल्ट होता है। ठीक है, जिसका जो रासायनिक नाम है, पीओपी का जो रासायनिक नाम है वो है, पीओपी का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र, तो अब रासायनिक नाम पता चल गया तो रासायनिक सूत्र तो आप बड़े आराम से जान सकते हैं। कैल्शियम सल्फेट बोल रहा है मतलब CaSO4। ठीक है, हेमीहाइड्रेट, तो हेमी का मतलब देखिए होता है आधा, हेमी का मतलब क्या होता है आधा, तो डॉट लगा के आधा भाग इसमें क्रिस्टलन जल का उपस्थित रहता है। तो CaSO4 डॉट में हाफ H2O, ये क्या हो गया आपका पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र हो गया। ठीक है, अच्छा आगे हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसके इस पर ऊष्मा के प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, पीओपी पे ऊष्मा के प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो देखिए मैं आपको इस पर ऊष्मा का प्रभाव बताता हूँ। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो होता है यानी कि पीओपी CaSO4 डॉट में हाफ H2O, अगर आप इसको क्या करिए ना 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पे गर्म कर दीजिए। 120 डिग्री सेल्सियस कैसे याद अब रखेगी, याद तो आता है एग्जाम टाइम में। देखिए जो इसमें पानी होता है ना, पानी का जो क्वथनांक होता है, उबलने का टेम्परेचर होता है, वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप इसको उससे ज़्यादा टेम्परेचर, तो यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो 120 डिग्री सेल्सियस पे जब आप इसको गर्म करेंगे तो होता ये कि ये जो जल वाला पोर्शन दिख रहा है ना पीओपी में से, ये उड़ जाता है। क्यों उड़ गया, क्योंकि भैया हमने इसको जल के क्वथनांक यानी कि उबलने वाले तापमान से ऊपर के तापमान पर गर्म कर दिया, तो जल कैसे रहेगा वहाँ, जल इसमें से उड़ जाता है और बचता सिर्फ और सिर्फ क्या है CaSO4। हाँ, क्या बच जाता है हमारे पास में, शुष्क, शुष्क का मतलब जिसमें पानी नहीं है, शुष्क कैल्शियम सल्फेट, शुष्क कैल्शियम सल्फेट। और इसको जो है शुष्क कैल्शियम सल्फेट को कॉमन भाषा मतलब जब पीओपी को आप गर्म कर दिए 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको बोला जाता है मृत प्लास्टर,
ठीक, साधारण भाषा में हम इसे क्या बोलते हैं, मृत प्लास्टर कहते हैं। तो जब भी पीओपी को आप 120 डिग्री सेल्सियस में गर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मृत प्लास्टर यानी कि शुष्क कैल्शियम सल्फेट। ये है पीओपी पर ऊष्मा का प्रभाव। बात आ गया आपको समझ में। इसके अलावा इस क्वेश्चन में तो खैर पूछा नहीं है, अगर आपसे पीओपी के उपयोग वगैरह पूछे तो पीओपी का उपयोग आपको पता ही मूर्तियां वगैरह बनाने में किया जाता है, छत पे डिजाइन वगैरह बनाने में, रंगाई पुताई फिनिशिंग के कार्यक्रम वगैरह में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये सब इसके कुछ कॉमन उपयोग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगले प्रश्न में हमसे कह रहा है, सात का खा प्रश्न है ये, सातवें प्रश्न का खा वाला भाग हमसे इसमें कह रहा है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है। ठीक है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, इसकी दो उपयोगिताएं बताइए। धातुओं की सक्रियता श्रेणी की दो उपयोगिताएं बताइए, साथ में ये भी बताइए कि ये क्या होती है। तो ये हम बड़े आराम से समझ सकते हैं। देखिए अब होता क्या है, यहाँ पे आपको पता है ना कि धातुओं को क्या किया गया है, ऊपर से नीचे की ओर में उनकी सक्रियता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करके एक श्रेणी बनाई गई है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। मैं इस श्रेणी को आपको थोड़ा बना के दिखा देता हूँ। जैसे इसमें सबसे ऊपर कौन है, पोटेशियम, फिर उसके बाद में सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर उसके बाद में आयरन, उसके बाद में लेड, फिर यहाँ नीचे जगह नहीं तो मैं इधर बनाता हूँ थोड़ा, लेड के बाद में कौन आएगा, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, मर्करी, प्लैटिनम, फिर एजी, और उसके बाद में एयू। आगे बात समझ में। तो ये क्या है, ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी है। अब यहाँ ये पीबी के नीचे होगा ये पूरा भाग। ठीक, इसकी विशेषता क्या है कि जब आप इसमें ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे तो धातुओं की जो सक्रियता है, सक्रियता का मतलब ना उनकी अभिक्रिया करने की क्षमता, वो घटती है। सक्रियता क्या होती है, धातुओं की घटती जाती है। मतलब अगर आप मैग्नीशियम और मैग्नीज में कंपेयर करना चाहते हैं कि कौन ज़्यादा सक्रिय धातु है, तो जो ऊपर होगा ना वो ज़्यादा सक्रिय होगा, यानी मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीज से अधिक सक्रिय धातु है। आगे ना बात समझ में। तो अब अगर आप परिभाषा बताना चाहते हैं ना इस धातुओं की सक्रियता श्रेणी की, तो आप कैसे बताएंगे कि वह श्रेणी जिनमें धातुओं को ऊपर से नीचे की ओर उनकी सक्रियता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहलाती है। बात आ गई आपको समझ में। अब ये तो हो गई परिभाषा, हमसे बोल रहा है इसकी दो उपयोगिताएं बताइए। ठीक, एक उपयोग तो इसका देखिए यही है कि आप इसकी सहायता से बड़े आराम से ना दो धातुओं की सक्रियता को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब दो धातुओं की सक्रियता की तुलना करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन अधिक सक्रिय धातु है। इसका एक उपयोग है कि धातुओं की सक्रियता ज्ञात करने में। दूसरा उपयोग इसका ये होता है ना कि धातु विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, धातु विस्थापन अभिक्रिया, मतलब जब दो धातु की आपस में अभिक्रिया करेंगी तो उनमें से कौन सी धातु किस धातु को विस्थापित कर देगी, इसका पता लगाने में भी इस श्रेणी का उपयोग किया जाता है कि कौन सी धातु ज़्यादा सक्रिय है जो विस्थापित करेगी। जैसे आप देखिए यहाँ पे ना, अगर मैं क्या करूँ कि एक अभिक्रिया करा दूँ आयरन तथा जिंक सल्फेट के विलयन के बीच में, तो अब ये अभिक्रिया संभव है या फिर नहीं है ना, इसका पता मुझे किससे चलेगा, इसी सक्रियता श्रेणी से। जैसे अगर आप इसमें देखिए तो जिंक ऊपर है और Fe यानी कि आयरन लोहा वो जिंक से नीचे उपस्थित है, इसका सीधा साधा मतलब ये है कि जिंक जो है वो लोहे से ज़्यादा सक्रिय धातु है, जिंक जो है वो लोहे से ज़्यादा सक्रिय धातु है। बात आ रही ना आपको समझ में। तो अब यहाँ क्या होगा कि क्या लोहा, ये जो लोहा है कि वो जिंक को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर सकता है, बताइए क्या लोहा जिंक को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि जिंक उससे ज़्यादा सक्रिय है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये अभिक्रिया नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे ये चीज़ पाके कंफर्म हो जाते हैं कि कौन सी धातु किस धातु को जो है उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर पाएगी। इस चीज़ का पता लगाने में भी हम सक्रियता श्रेणी का उपयोग करते हैं। तो ये हो गए इसके दो उपयोग, और दोनों के लिए आपको जो है दो नंबर यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। एक मार्क ये बताने के लिए कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है, और आधा आधा नंबर आपको इस चीज़ का दिया जाएगा कि इसके दो उपयोग के लिए। ठीक है, बड़े आराम से। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे आ जाते हैं।
अगला जो देखिए हमारा प्रश्न है ठीक, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमसे कह रहा है एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इससे संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए। एथिलीन के किन्हीं तीन रासायनिक गुणों से संबंधित समीकरण भी लिखिए। ठीक है, अब देखिए आपको एक बात बता दें, एथिलीन बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है और इससे संबंधित जो भी समीकरण है ना, वो यूपी बोर्ड ने अभी कोरोना काल के दौरान उनका जो सिलेबस रिडक्शन हुआ था उसमें से हटा दिया। ठीक है, एथिलीन या फिर एथीन वगैरह, एथीन है सॉरी यहाँ पे, हाँ एथिलीन है सॉरी। ठीक है, इसको बनाने की या इस टाइप की किसी भी गैस की प्रयोगशाला विधि वगैरह आपको बना के नहीं दिखानी है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को हमें डिस्कस करने की भी यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसकी प्रयोगशाला विधि को भले हटाया गया है लेकिन इसके भौतिक और रासायनिक गुण वगैरह जो है उनको कोर्स में रखा गया है। तो चलिए मैं आपको इसके तीन रासायनिक गुण बता देता हूँ। देखिए एथिलीन जिसका सूत्र क्या होता है C2H4, इसकी अभिक्रिया अगर आप क्या करिए ना किसी हैलोजन से, जैसे मान लीजिए क्लोरीन से करवा दिया, ठीक है, एथिलीन की अभिक्रिया किससे करवा दिया आपने, क्लोरीन से, और ये अभिक्रिया कहाँ होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो इसको क्लोरीनेशन कहा जाता है, इस अभिक्रिया को क्लोरीनीकरण कहा जाता है। और इसमें होता क्या है, ये देखिए इसका C2H4 ना, इसको आप संरचना के हिसाब से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ऐसी संरचना होती है ठीक इस प्रकार की। अब होता क्या, यहाँ पे जब एक बंद टूटता है तो एक पे प्लस आता है और एक पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, और एक जब ये जो दोनों क्लोरीन है वो एक एक पोजिशन पर आके जुड़ जाते हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ पर बनता क्या है, यहाँ पे बन जाता है C, फिर उसके बाद में ऐसे C, यहाँ पे आपका एक क्लोरीन जुड़ेगा, इधर H, और H तो पहले से ही है, फिर एक क्लोरीन आपका इधर जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो यहाँ पहले से उपस्थित ही है, तो ये आपके प्रोडक्ट होते हैं इस अभिक्रिया के। ठीक है, एक तो इसका रासायनिक गुण यही हो गया कि यह जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोरो एल्केन इसको कहा जाता है, क्लोरोइथेन, डाई क्लोरो इथेन भी आप कह सकते हैं, तो डाई क्लोरो इथेन का निर्माण करती है, बात आ रही है आपको समझ में एथीन का। अब देखिए यहाँ से दूसरा गुण इसका क्या होगा, सेकेंड प्रॉपर्टी जो है इसकी, दूसरा गुण ये है कि C2H4 जो है ये यहाँ पे, अगर आप जो है इसमें वाटर, इसकी अभिक्रिया किससे करा दें, जल से करा दें, तो जल से जब इसकी अभिक्रिया आप कराएंगे ना तो ये अल्कोहलों का निर्माण करती है, मतलब यहाँ से आपका क्या बनेगा C2, तो ये आपका ही है यहाँ पे, इसके बाद में H, यहाँ क्या है, चार हाइड्रोजन है ना आपके, चलिए स्ट्रक्चर की बेसिस समझते हैं। तो यहाँ से देखिए अब क्या होगा, दो इस तरह के बॉन्ड थे, एक जगह पे H ऐड हो जाएगा, एक जगह पे आके आपका OH ऐड हो जाएगा, तो दो कार्बन होंगे, दो कार्बन हो जाएंगे, यहाँ से आके आपका एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा, तो टोटल OH कितने हो जाएंगे, पाँच हो जाएंगे हाइड्रोजन, मतलब तो C2H5 और OH इस तरह से आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, कॉमन एथेनॉल होता है, या फिर एथिल अल्कोहल इसको कहा जाता है, इसका निर्माण करते हैं जब हम इसमें जल का योग करवाते हैं, जल से इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं। तीसरा देखिए यहाँ पे हमारा क्या होता है थर्ड पार्ट में, कि अगर C2H4 एथिलीन की अभिक्रिया हमने किसी हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HCl हो गया, HF हो गया, HBr वगैरह हो गया, इससे करवा दें, देखिए HCl से जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो होगा भाई, ये HCl H प्लस Cl माइनस में टूटेगा, प्लस वाला जो आपका पार्ट है वो यहाँ माइनस वाले पे अटैक मार के इससे जुड़ जाएगा, और ये नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो प्लस पे अटैक मार के उससे जुड़ जाएगा, मतलब ये यहाँ से देखिए क्या बनेगा, C हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक मार जाएगा आपका, सॉरी इस जगह पे, तो यहाँ पे कौन मारेगा, क्लोरीन, तो CH2 होगा, H2 ये, और इसके बाद यहाँ से जुड़ेगा कौन, Cl, सिंगल बॉन्ड लगा के फिर यहाँ पे क्या होगा, CH3, क्योंकि इस जगह पे आके कौन जुड़ जाएगा आपका, हाइड्रोजन, तो CH2Cl और ये CH3, इस प्रोडक्ट का आपका यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इसको आप चाहें तो C2H5Cl भी लिख सकते हैं, देखिए दो कार्बन पाँच हाइड्रोजन, तो C2H5Cl, ठीक है, यहाँ पे क्लोरो एथेन इसको कहा जाता है, ये भी आप यहाँ पे इसको लिख के दिखा सकते हैं। तो ये तीन रासायनिक गुण है आपके किसके, एथीन गैस के, आगे ना बात समझ में, एथिलीन गैस या फिर एथीन गैस जिसको कहा जाता है, इसके ये क्या हो गए आपके तीन रासायनिक गुण हो गए, और तीनों बताने के लिए आपको तीन नंबर यहाँ पे प्रदान कर दिए जाएंगे। वैसे क्वेश्चन तो है 7 नंबर का, बट 4 नंबर की आपकी जो प्रिपरेशन है वो बोर्ड ने हटा दिया, तो बचता है 3 नंबर जो कि आपको इसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है,
अच्छा इसी क्वेश्चन का एक देखिए सब पार्ट भी है, इसमें आपसे कह रहे हैं जिसको मन करे ये करे वरना दूसरा वाला कर दे, कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। नीचे आपको देखिए क्या दिया है, कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल वर्ड्स दिए गए हैं जिनके ऊपर आपको टिप्पणी करनी, मतलब उनके बारे में ना आपको कुछ बताना है, ठीक है। चलिए पहला शब्द यहाँ पे हम बताया, पहले सबसे हमसे कह रहा है क्रियात्मक समूह, ठीक है, क्रियात्मक समूह पे आप टिप्पणी कीजिए। तो देखिए क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग होते हैं जो उस यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करते हैं तथा किसी रासायनिक अभिक्रिया में वही भाग जो होता है ना उस यौगिक का वो पार्टिसिपेट करता है। जैसे कुछ क्रियात्मक समूह के उदाहरण आपको दे दें तो OH होता है, COOH होता है, ठीक है, इसके अलावा CHO होता है। तो ये कुछ क्रियात्मक समूह है आपके। अब होगा क्या, मान लीजिए किसी यौगिक में अगर C2H5OH इस तरह से OH क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो कोई भी चीज़ अगर अभिक्रिया करेगी ना तो वो इसी पार्ट से करेगी, क्रियात्मक यही पार्ट रिएक्टिव है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, क्रियात्मक समूह। तो ये क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा आपका, किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो उस यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करे तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, वही होता है क्रियात्मक समूह, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप ये क्रियात्मक समूह यहाँ पे लिख के बता सकते हैं, एक नंबर आपको इसके लिए भी दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर बात करें तो दूसरा हमसे कह रहा है एल्कीनों का ओजोनीकरण, ठीक है, एल्कीनों का ओजोनीकरण, ठीक है, ओजोन से उनकी अभिक्रिया। तो देखिए मान लीजिए कोई एल्कीन, चलिए हम यही ले लेते हैं सी डबल बॉन्ड सी एच एच, ठीक है, ये इस तरह से, मतलब ये जो C2H4 था एथिलीन आपका, इसी को ले लेते हैं और इसकी हम अभिक्रिया किससे करवाते हैं, ओजोन से, ओजोनोलिसिस इसका करवाते हैं। देखिए इसका ओजोनोलिसिस जब होता है ना तो यहाँ पे सबसे पहले हुआ क्या, एक बीच में एक जो है आपका ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसको ओजोनॉइड कहा जाता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट का निर्माण होता है। अब ओजोनॉइड कैसा बनता है कि ये कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड है ना, तो एक बॉन्ड टूटता है और यहाँ पे हाइड्रोजन तो ऐसे ही जुड़े रहेंगे जो इसके जुड़े थे पहले से, इस तरह से और इस तरह से, और इसके बाद में ना आपका यहाँ से एक ओजोन की पूरी लेयर ऐसे जुड़ जाती है, आई बात समझ में, ये तो इस ट्रांजिशन स्टेट को हम क्या नाम देते हैं, ओजोनॉइड नाम देते हैं, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ओजोनॉइड कहा जाता है। अब ये ओजोनॉइड जो होता है ना बहुत ही अस्थाई होता है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये देखिए तुरंत का तुरंत जो है टूट जाता है किसमें, यहाँ बीच से इसको ऐसे ब्रेक करवाएंगे तो ये दो ऑक्सीजन एक इस कार्बन से एक इस कार्बन से ऐसे जुड़ जाएंगे, आई ना बात समझ में। तो देखिए होगा क्या, यहाँ से बनेगा एच सी और H और ये ऑक्सीजन इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ के क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसका नाम जानते हैं, इस कंपाउंड का नाम क्या, इसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, ये कंपाउंड कौन सा है, फॉर्मेल्डिहाइड है, जिसका IUPAC नाम क्या होता है, मेथेनल होता है। और इधर से भी देखिए यही बनेगा HHC और ये ऑक्सीजन डायरेक्टली यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका, तो मतलब दो बार इसी का निर्माण होगा, ठीक है, तो हम टू टाइम कर देते हैं, प्लस यहाँ से आपका O2 यानी ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाएगी, बात आ गई समझ में। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं होता, खैर साइड प्रोडक्ट से, हमको मेन प्रोडक्ट यही बताना होता है। तो एल्कीनों का जब भी हम ओजोनीकरण करवाते हैं ना तो क्या बनते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं, एल्कीनों के ओजोनीकरण के फलस्वरूप क्या बनते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं। अगर आप यहाँ कोई मिथाइल ग्रुप वगैरह ले तो कीटोन वगैरह भी बन सकता है, ठीक है ना, तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन का निर्माण होता है, इसके लिए भी आपको जो है एक नंबर प्रदान किया जाएगा, ठीक है, एल्कीनों का ओजोनीकरण बताने के लिए। अब देखिए अगला यहाँ पे क्या होता है, तीसरा हमसे कह रहा है कि समजातीय श्रेणी के ऊपर हमें टिप्पणी करनी होगी। तो समजातीय, देखिए नाम से मतलब जो एक समान जात वाले हो, जात का मतलब यहाँ पे ये है कि जिनके गुणधर्म एक समान हो, ठीक है, ये वो वाली जात नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब जाते नहीं, समजातीय मतलब जिनकी जात यानी कि गुणधर्म समान हो जिनके। तो यहाँ पे देखिए समजातीय श्रेणी का मतलब क्या है, वह श्रेणी जिनके रासायनिक गुण एक समान हो किंतु भौतिक गुणों में अंतर हो तथा इस श्रेणी के सदस्यों के मध्य एक CH2 का अंतर पाया जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो CH4 मैंने लिखा, फिर मैंने लिखा C2H6 और उसके बाद मैंने लिखा C3H8। तो देखिए इन सब में ना जो रासायनिक गुण है ना इन तीनों के, ये कैसे एक समान है, क्योंकि ये सारे ही के सारे क्या हैं, एल्केन है। और अगर आप गौर से देखें तो इन सब के मध्य में, इन सब के फॉर्मूले में केवल किस चीज़ का अंतर है,
एक CH2 यूनिट का ही अंतर है। जैसे अगर आप इस CH2 को इसमें जोड़ दें तो दो कार्बन हो जाएंगे, हाइड्रोजन चार से होके बढ़ के छः हो जाएंगे, तो C2H6 देखिए बन गया C2H6। इसमें CH2 यही जोड़ दीजिए तो C3H8 बन जाएगा। तो वह श्रेणी जिसके सदस्यों के रासायनिक गुणधर्म एक हो, भौतिक गुणधर्म अलग अलग हो तथा उनके मध्य में एक CH2 यूनिट का अंतर पाया जाए, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी बोलते हैं। बात आ गई होगी आपको समझ में ना अच्छे से। इसके लिए भी आपको एक नंबर दिया जाएगा ऐसे, ठीक। एक बात और ध्यान रखिएगा कि समजातीय श्रेणी में क्या होता है ना कि जैसे यहाँ तो लगा नहीं है, अगर कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है ना तो वो सब में एक ही होता है, ठीक है। सभी श्रेणी के सदस्यों में एक ही क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते, अगला कह रहा हमसे एस्टरीकरण बताइए। क्या बताइए, एस्टरीकरण पर टिप्पणी कीजिए। तो एस्टरीकरण आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा आसान। ये तीसरा था, चौथा आप क्या करिए, कोई अल्कोहल ले लीजिए। जैसे आप मान लीजिए हमने ले लिया CH3OH, ये क्या है, मेथिल अल्कोहल है। इसकी अभिक्रिया किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह वाले ग्रुप से करा दीजिए। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से ही हम इसकी करा देते हैं, एसिटिक एसिड से एथेनोइक अम्ल जो कि विनेगर सिरका होता है उससे करवा दें, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही एक टाइप का, तो क्या हो जाएगा, CH3COOH होता है, तो CH3COOH। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, ये तो अभी मैंने ऐसे लिखा है तो ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं बदल के, जिससे कि अभिक्रिया आपको थोड़ी समझ में आए, होंगी चीज़ें यही। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ CH3O, और यहाँ से मैंने क्या लिखा, ऐसे H करके लिख दिया, लिखा वही है CH3OH प्लस में। यहाँ से मैं क्या करूँ, CH3COOH को मैं ऐसे लिख रहा हूँ OH, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3, ये उसकी मैंने संरचना के रूप में उसको लिख दिया CH3COOH, ठीक है। यहाँ से आप क्या क्या करिए ना कि एक भाग जल यहाँ से निकाल के अलग कर दीजिए, एक भाग जल यहाँ से निकाल के अलग कर दीजिए, तो हम क्या बोलेंगे कि अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये अभिक्रिया हमेशा अम्लीय माध्यम में ज़्यादातर H2SO4 की उपस्थिति में होती है, तो H2SO4 की उपस्थिति में यहाँ पे एक भाग जल निकल गया। बेसिकली यही H2SO4 जो होता है ना, वही यहाँ पे निर्जली कारक यानी जल निकालने का कार्य करता है। तो जल निकलते ही है ना आपस में जुड़ जाते और बनाते क्या है, CH3, फिर यहाँ पे देखिए O, फिर क्या है यहाँ से ये C डबल बॉन्ड O CH3, तो देखिए CH3COOR ये क्या बन गया, एक एस्टर बन गया ना। तो इसी अभिक्रिया को कि अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के संयोग से एस्टर का निर्माण करना, यही क्या कहलाता है, एस्टरीकरण कहलाता है, ठीक। एस्टरीकरण को आप जब समझा देंगे, परिभाषा मैंने आपको बताई दी, तो आपको एक नंबर और यहाँ पे दे दिया जाएगा, और इसी एक नंबर मिलने के साथ में आपके इस मॉडल पेपर का जो खंड खा रसायन विज्ञान पर आधारित है वो समाप्त होता है, ठीक है। इसके बाद हम बायोलॉजी वाला अपना सेक्शन डिस्कस कर लेंगे, इसके पहले जो हमने फिजिक्स वाला कर लिया वो तो हमारा हो ही गया, तब जाके हमारा पूरा मॉडल पेपर ये कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो चलिए अब हम लोग बायोलॉजी वाला सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं।